गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज़ द वीडियो फॉर फिफ्थ क्लास। सब्जेक्ट है आपका साइंस। हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर थर्ड। चैप्टर नंबर थर्ड में हमने स्केल्टन के बारे में कल पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे जो आपके शरीर में अलग अलग तरीके की हड्डियाँ होती हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे, है ना। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्कल। स्कल का मतलब होता है, हिंदी में बोलते हैं स्कल को खोपड़ी। आपको साइड में डायग्राम भी दिखाई दे रहा है ना। स्कल का डायग्राम है ये। स्कल इज़ द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी डेट प्रोटेक्ट्स द ब्रेन। जो स्कल होता है आपका, वो ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है और बॉडी का सबसे हार्ड पार्ट होता है। द बोन्स इन द स्कल आर फिक्स्ड एक्सेप्ट द लोअर जॉ। तो जो आपका हड्डियाँ होती हैं आपकी स्कल की, वो फिक्स्ड होती हैं, मीन्स फिक्स होती हैं बिल्कुल, एक्सेप्ट द लोअर जो, जो लोअर वाला जो होता है आपका, नीचे वाला जबड़ा होता है, उसके अलावा। इट मीन्स जो नीचे वाला जबड़ा होता है उसके अलावा जो और हड्डियाँ होती हैं स्कल की, वो बिल्कुल फिक्स होती हैं। द मूवेबल लोअर जो एनेबल अस टू टॉक एंड ईट। जो मूवेबल लोअर जो होता है, नीचे वाला जो जबड़ा होता है जो मूव करता है, वो हमें बात करने के लिए और खाना खाने के लिए, ईट के लिए क्या करता है, उसके सक्षम बनाता है, काबिल बनाता है। द अपर एंड लोअर जो कंटेन टीथ डेट हेल्प अस कटिंग एंड च्युइंग द फूड। जो ऊपर वाला और नीचे वाला जबड़ा होता है आपका, जो होता है वो टीथ को कंटेन करता है, टीथ रखता है जो हेल्प करते हैं कटिंग के लिए और खाने को काटने के लिए और उसको चबाने के लिए। आपको पता है ना, आपके ऊपर वाले जबड़े में देखिए, इस तरीके से ऊपर वाले जबड़े में और नीचे वाले जबड़े में क्या होता है, टीथ होते हैं। और टीथ का यूज़ हम कहाँ करते हैं, खाने को खाने के लिए और उसको क्या करने के लिए, च्युइंग करने के लिए, ठीक है। नाउ है रिबकेज। रिबकेज क्या होती हैं, देखिए, द रिबकेज कंसिस्ट ऑफ 12 पेयर्स ऑफ द रिब्स डेट कर्व अराउंड फ्रॉम द बैक ऑफ अवर बॉडी टुवर्ड्स द फ्रंट। रिबकेज क्या होता है, हड्डियों का पेयर्स होते हैं, 12 हड्डियों के जोड़े होते हैं रिबकेज में। देखिए फिगर में आपको दिखाई दे रहा है, 12 हड्डियों के जोड़े होते हैं। 12 हड्डियों के जोड़े मीन्स 24 हड्डियाँ होती हैं टोटल, पसलियाँ होती हैं इसमें। रिब्स का मतलब होता है पसलियाँ। तो ये क्या होता है कि देखिए, आपकी चेस्ट में पाई जाती हैं रिबकेज, और आगे से पीछे की तरफ को क्या करते हैं ये, सामने से पीछे से बैकबोन से और आगे चेस्ट की तरफ को इस तरीके से हड्डियों के सर्कल बने हुए रहते हैं, ठीक है। द रिबकेज प्रोटेक्ट्स द लंग्स एंड हार्ट। जो रिबकेज होता है वो किसको प्रोटेक्ट करते हैं, आपके फेफड़ों को और आपके हार्ट को। ऑल द रिब बोन्स आर कनेक्टेड टू द अपर पार्ट ऑफ द बैकबोन। जो सभी की सभी हड्डियाँ होती हैं, रिब की जितनी भी हड्डियाँ होती हैं, वो बैकबोन के, देखिए पीछे आपका बैकबोन है ना, पीछे बैकबोन होता है ना कमर में, तो ये जो जितनी भी हड्डियाँ होती हैं सब की सब किससे कनेक्ट, देखिए किससे कनेक्ट रहती हैं, यहाँ पर बैकबोन से कनेक्ट रहती हैं। और फ्रंट में, इन फ्रंट रिब्स आर कनेक्टेड टू द ब्रेस्ट बोन कॉल्ड स्टर्नम। और फ्रंट में जो रिब्स, पसलियाँ जो होती हैं, वो आपकी ब्रेस्ट बोन से कनेक्ट रहती हैं, जिसको हम बोलते हैं स्टर्नम। ये है ना, ये आपको फिगर में दिखाई दिया हुआ है, ये जो कनेक्ट हो रही हैं सामने की हड्डियाँ, उनको उसको हम बोलते हैं स्टर्नम, ठीक है। इट मीन्स रिब केज की जो पीछे की सारी हड्डियाँ होती हैं वो बैकबोन से कनेक्ट होती हैं, और जो सामने की सारी हड्डियाँ होती हैं वो स्टर्नम से कनेक्ट होती हैं। द लोएस्ट टू पास पेयर्स आर नॉट कनेक्टेड टू द ब्रेस्ट बोन एंड आर द कॉल्ड फोर्टिंग रिब्स। तो लोवेस्ट, जो सबसे नीचे के दो पेयर्स होते हैं ना हड्डियों के, ये जो सबसे नीचे के दो पेयर्स दिखाई दे रहे हैं आपको, ये किसी भी ब्रेस्ट बोन से कनेक्ट नहीं होते, इसलिए इनको हम बोलते हैं फ्लोटिंग रिब्स। क्या कहा जाता है इनको, फ्लोटिंग रिब्स। फ्लोटिंग फ्लोटिंग मीन्स होता है तैरने वाला, ठीक है। तो इस तरीके से वो तैरने वाली पसलियाँ इनको इसलिए बोला गया है क्योंकि ये किसी भी ब्रेस्ट बोन से कनेक्ट नहीं होते, ठीक है। तो नाउ बैकबोन। बैकबोन आपके पीछे रीढ़ की हड्डी जिसको बोलते हैं, कमर में मिलती है ये, इसके बारे में पढ़ेंगे। आपको फिगर दिखाई दे रहा है यहाँ पे साइड में, ठीक है।
द बैकबोन सपोर्ट्स द बॉडी एंड गिव्स प्रोटेक्शन टू द स्पाइनल कॉर्ड. जो बैकबोन होता है वो आपकी बॉडी को सपोर्ट करता है, और आपका जो स्पाइनल कॉर्ड होता है ना, बैकबोन के अंदर जो स्पाइनल कॉर्ड होता है उसको प्रोटेक्ट करता है. द बैकबोन इज ऑल्सो कॉल्ड द वर्टिब्रल कॉलम. बैकबोन को आप वर्टिब्रल कॉलम भी बोल सकते हैं. इट इज़ मेड ऑफ 33 स्मॉल एंड हॉलो बोन्स कॉल्ड वर्टिब्रा. ये 33 छोटी और खोखली हड्डियों से मिलकर बना होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, वर्टिब्रा बोलते हैं. दीज बोन्स आर अरेंज्ड ओवर ईच अदर एंड फॉर्म अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर. ये जितनी भी हड्डियाँ होती हैं, ये सभी हड्डियाँ किससे अरेंज होती हैं, एक दूसरे से अरेंज होती हैं, जुड़ी हुई होती हैं, और एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है उनकी, जैसे ट्यूब की लाइट होती है ना, एक इस तरीके से उनकी इनकी स्ट्रक्चर होती है. इट प्रोटेक्ट्स द डेलिकेट स्पाइनल कॉर्ड एंड हेल्प अस टू बेंड एंड टर्न. ये किसकी रक्षा करता है, द डेलिकेट स्पाइनल कॉर्ड. स्पाइनल कॉर्ड की रक्षा करता है, एंड ये आपकी स्पाइनल जो कोमल स्पाइनल कॉर्ड है उसकी रक्षा करता है, और आपको झुकने में और मूव करने में क्या करता है, हेल्प करता है. ओके.